नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले, विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, आखिर बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा प्यून और कलर का, क्योंकि स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का विभाग एक महीना पहले ही नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि नोटिस यही 26 सितंबर को आया था, आज हो गया 24 अक्टूबर, तो एक महीना से भी स्टूडेंट परेशान है। सर स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर को विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है, सर प्यून और कलर का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में प्यून और कलर के एग्जाम डेट के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि आपके मन में जितना भी प्रश्न चल रहा है सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार सिविल कोर्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द यह वैकेंसी क्लियर हो और जल्द से जल्द विभाग के द्वारा एग्जाम नोटिस जारी किया जाए। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, आखिर विभाग कलर और प्यून का एग्जाम डेट कब रिलीज कर रही है, आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम जितना भी वीडियो बनाए थे विभाग जब नोटिस जारी कर दिया है, आज से एक सप्ताह पहले भी हम आपको वीडियो बनाए, अभी फिलहाल आप देखते होंगे जो सिविल कोर्ट पर हम जल्दी वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि जो अपडेट नहीं रहता है इसलिए हम बिना काम के वीडियो नहीं बनाते जब से विभाग ने नोटिस जारी किया। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने की यही रीजन है, ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि हम पिछले वीडियो आज से एक सप्ताह पहले एक वीडियो बनाए थे, उस वीडियो को आप नहीं देखे तो आई बटन में लिंक दिए हुए उसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको बिहार के अंदर बिहार पुलिस का एग्जाम होगा और बिहार पुलिस का एग्जाम आने के बाद ही आपको बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम देखने को मिलेगा प्यून और कलर का। और बार बार स्टूडेंट कॉल और मैसेज भी कर रहा, एक बेतिया जिला से स्टूडेंट का कुछ नाम है जो बराबर कॉल करते रहते हैं, दो चार स्टूडेंट और कॉल करते रहते हैं, भागलपुर से एक लड़की कल फोन की हुई थी जो सर प्यून और कलर का एग्जाम कब होगा, क्योंकि सर आप बोले थे बिहार पुलिस के एग्जाम डेट आने के बाद प्यून और कलर का एग्जाम डेट आ जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 2 दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रही है, ध्यान से समझ लीजिए, जो कि 7 जनवरी तक एग्जाम चलने वाली बिहार पुलिस का और 9 शिफ्ट में एग्जाम होगा इस बार। बिहार पुलिस का एग्जाम इस बार 9 शिफ्ट में होने जा रही है और इतना टाइट एग्जाम होगा, इतना काला शासन के साथ एग्जाम होगा, उस पर हम कल वीडियो आपको बना चुके हैं। तो 7 जनवरी के बाद ध्यान समझ लीजिए बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम होगा, क्योंकि 17 दिसंबर के आपको स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का भी एग्जाम है और 17 दिसंबर को अभी बिहार दरोगा के लिए भी एग्जाम डेट दे चुका है। तो आगे पीछे हो सकते हैं या 17 दिसंबर को ही बिहार दरोगा का भी एग्जाम होगा, सोच सकते हैं। उसके बाद 7 जनवरी तक आपको बिहार पुलिस का एग्जाम चलेगा और 7 जनवरी के बाद ध्यान समझ लीजिए आपको पूरे जनवरी भर अभी विभाग के पास समय है, क्योंकि फरवरी में जब भी जो है बोर्ड का एग्जाम होता है फरवरी में एग्जाम होता है, तो 7 जनवरी के बाद आपको बिहार सिविल कोर्ट का प्यून और कलर का एग्जाम होगा, ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि जो हम आपको बोल रहे हैं वही आपको डेट देखने को मिलेगा। तो आपको जनवरी में प्यून और कलर का एग्जाम होगा और 100% आपको सही हम आपको बता रहे हैं और ऑथेंटिक ही न्यूज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ध्यान से समझ लीजिए 7 जनवरी के बाद कोई एग्जाम बिहार के अंदर नहीं है। हाँ बात रही, ध्यान समझ लीजिए जो बिहार एसएससी का, तो बिहार एसएससी का अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है, जो रियलिटी बताते हैं और विभाग ने अभी क्लियर नहीं किया, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं बिहार एसएससी का एग्जाम फरवरी के बाद ही होगा, बिहार एसएससी का आपका एग्जाम फरवरी के बाद ही होगा और बिहार दरोगा का एग्जाम और कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्जाम आपको एक ही दिन, दोनों डेट एक ही है, जो कि 17 दिसंबर को आपको होने जा रही है। तो बचा प्यून और कलर, तो प्यून और कलर का आपका एग्जाम 7 जनवरी के बाद होगा और जनवरी में ही प्यून और कलर का एग्जाम होगा। जो भी आप यूट्यूब पर अगर कोई बता रहा है नहीं फरवरी मार्च में आपका एग्जाम जाएगा, तो नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताए थे जो बिहार पुलिस के लिए एग्जाम डेट कन्फर्म हो जाएगा, तो बिहार पुलिस के लिए तो बिहार सिविल कोर्ट का आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। और एक बात और, क्योंकि पीएसटी का इसका टेलीग्राम आपने ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट के कॉल और मैसेज करने के बाद हम सिविल कोड पर अभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न टेलीग्राम पर हम पोस्ट करते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोनों पर, क्योंकि हर टॉपिक पर हम वीडियो बना नहीं पाते हैं, जैसे बिहार पुलिस का कल
विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया, तो वीडियो बाद में बनाए, पहले हम टेलीग्राम पर व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिए। उसके बाद एनएम के बारे में भी आया था, तो हम नोटिस व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। तो दोस्तों आज से ध्यान समझिए, आज से आपको सिविल कोड के बारे में, बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर है, सिविल कोड का जो प्रीवियस ईयर है, वो बिहार को हो या अलग स्टेट को, जो पर डे आपको 50-60% देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक पीएचडी का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जिसका भी तैयारी अभी नहीं हुआ है सिविल कोड के बारे में, आप वहां से एक बार क्यूज लगा के आप देख सकते हैं, आपका तैयारी अच्छा हो सकता है। क्योंकि अभी एग्जाम में आपको समय है, और हम जो आपको बताए हैं प्यून और कलर का एग्जाम आपको जनवरी में होने जा रही है। तो दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट था, सारे डाउट हम आपको क्लियर कर दिए। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आने के बाद आपको बिहार सिविल कोड का एग्जाम 100% देखने को मिलेगा। और वही हुआ, बिहार पुलिस का कल एग्जाम डेट आ चुकी है। अब देखिएगा एक सप्ताह के अंदर, ध्यान समझ लीजिए, या नवंबर के प्रथम वीक में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा विभाग की तरफ से, जो ध्यान समझ लीजिए क्लर्क और प्यून का एग्जाम किसी स्टेट में आपको जनवरी किसी स्टेट में है, और सभी का एडमिट कार्ड एक ही साथ आएगा, ध्यान समझ लीजिए। और जो बताएं उसको आप नोट कर लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और तैयारी में जोर से आँख मूंद के आज से तैयारी में आप लग जाइए। क्योंकि एग्जाम डेट जो बताएं उसी डेट में आपका एग्जाम होने जा रही है। तो आई होप कि आपके मन में जितना भी प्रश्न है, सारे प्रश्न का आंसर हम आपको दे चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए। जैसे ही आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, बेहिचक आपको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं।